हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट। मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है और आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल से, नेट जर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट से। आप में से जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। किसी भी फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल नेट जर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? एक बार फिर एग्जाम का डेट हो गया है पोस्टपोन। हाँ अजय, सुन लिया, देख लिया, बस करो। कितना मैसेज करोगे? बस करो, देख लिया, सुन लिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल गया था हमें, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया था। ओके गाइस, चलो देखो, बहुत परेशान हो गए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा बस 2 मिनट रुक जाओ, क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी एनटीए का कोई नोटिफिकेशन आया है, इन लोगों को मजाक सूझ रहा है, इनको एग्ज़ाम जो है मजाक लग रहा है। हाँ, इनके अकॉर्डिंग क्या है, एग्जाम एक मजाक बन के रह गया है। क्या बन के रह गया, इन लोगों ने पूरा का पूरा चलो अभी मैं क्लास ले लूं, फिर आप लोगों को बताता हूं। कब जा रहा है? नवंबर में, 12 नवंबर को जा रहा है एग्जाम। 21 अक्टूबर से 12 नवंबर को जा रहा है एग्जाम। इन लोगों को एग्जाम नहीं करवाना है, सामर्थ्य नहीं है एग्जाम करवाने की, तो क्यों करवा रहे हैं, छोड़ दें। अरे दिसंबर में करवा लिए होते यार, मैं तो बोल ही रहा था कि दिसंबर में करा लो एग्जाम, सबसे अच्छा डेट है वो, आराम से सारे स्टूडेंट तैयारी भी कर लेते, कोई पैनिक सिचुएशन भी नहीं होती और इत्मीनान से एग्जाम भी हो जाता, किसी को परेशानी भी नहीं होता। लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं, कान पे इनके जू नहीं रेंगता है, कान में रुई ठूंस के बैठे हुए हैं ये लोग, कुछ नहीं कर सकते।
चलो ठीक है गाइस, क्लास कर लेते हैं। हेलो गाइस, लिसन एवरीवन, क्लास कर लेते हैं। क्लास के बाद जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा आप लोगों तक, ऑफिशियल जो भी होगा मैं बता देता हूँ। अगर अभी मैं दूंगा समय तो टाइम तो लगेगा, अगर मैं अभी समय दूंगा तो 2-4 महीने तो टाइम लगेगा आप लोगों का। September 23, 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 23 सितंबर, मेरी आवाज को ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, आज एक नोटिफिकेशन आई है 23 सितंबर को, ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट की। इसमें इन लोगों ने 24 को जो एग्जाम होना था उसका टाइम सेम रखा है, कोई चेंज नहीं है। 24 को एग्जाम होगा, फिर 25 को एग्जाम होगा, 29 को एग्जाम होगा, 30 को एग्जाम होगा, फिर 1 को होगा, फिर 9 को, फिर 17 को, ठीक है। इसके बाद देखो 4 नवंबर को होगा, फिर 22 अक्टूबर को होगा, उसके बाद देखो 5 नवंबर को होगा, फिर 11 नवंबर को होगा, ठीक है, उसके बाद फिर एक 12 नवंबर को एग्जाम होगा। 21 को जो एग्जाम होने वाला था अब वो 12 नवंबर को होगा, ठीक है, ऑफिशियल। ऑफिशियल ठीक है ना। आज लग रहा है हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। 12 नवंबर 2020 को, अर्लियर जो ओल्ड डेट था वो 21 अक्टूबर था। इन लोगों ने रिवाइज्ड शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, रिवाइज्ड शेड्यूल दिया हुआ है एनटीए ने 23 को, ठीक है, 23 को। थैंक यू रियलमी, थैंक यू। हो जाएगा कौशिक, JRF हो जाएगा। शमिता वेरी बैड लक, वेरी बैड लक। सेकेंड शिफ्ट को है। As I can see, 3 PM to 6 PM है जियोग्राफी का और एजुकेशन का। इस दिन जियोग्राफी और एजुकेशन का होना है। सबसे लास्ट में हिंदी चला गया है 13 नवंबर को, दिवाली से एक दिन पहले। चलो दिवाली के एक दिन पहले आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, दिवाली के एक दिन पहले डेट पता चल जाएगा। ओके गाइस, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ हो गया क्लियर, रिवाइज्ड डेट इनका कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन कास्ट रीजन। कास्ट क्षेत्र में अब चट्टानों के अपक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये फिर से कह सकते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हम 12 नवंबर को एग्जाम नहीं ले पाएंगे, वो बोल सकते हैं, है ना, बोल देंगे कि चलो अब इसको हम लोग 12 नवंबर के बजाय दिसंबर में कर लेंगे, फिर एक रिवाइज्ड डेट आ सकता है। मतलब मजाक बना करके रखा है पूरा एग्जाम को, बोलते हैं कि 16 सितंबर से एग्जाम होगा, और 16 सितंबर से कौन कहे भैया, ये तो चला गया कहां, 13 नवंबर को चला गया। वाह रे हमारे देश की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं। अभी सरकार ने एक और संस्था बना दी है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ये पिछले महीने की बात है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम करवाएगा। वाह,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यस, कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदरिंग। वेदरिंग की बात कर रहा है रॉक्स इन कास्ट रीजन। कास्ट रीजन में ज्यादातर कार्बोनीकरण होता है क्योंकि लाइम स्टोन रीजन होते हैं कास्ट रीजन। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो घुलित पदार्थ होते हैं, जो सॉल्युएबल होते हैं, उनको डिजॉल्व करके अपने साथ वाटर लेके चला जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर टू। इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये बैठे हुए हैं ऑफिस में और हर दिन नया फरमान, हर दिन नया फरमान। इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इज नोन एज। चलो रिवीजन क्लासेस पे फोकस कर लो। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? हाइट इंक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, आपको पता है कि तापमान क्या होती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, घटता है ना, नेगेटिव रिलेशन है हाइट के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव दिख रहा है। और ये बेसिकली कहाँ पर होता है, ये आपके कहाँ पर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, यहाँ पर की ऑलरेडी ओजोन होती है ना, तो उस कारण से वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वहां उस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा रिलेटिवली निचले एरिया से ज्यादा होता है। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब एग्जाम ओल्ड डेट 21 अक्टूबर से चला गया है 12 नवंबर को चला गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये एनटीए यूजीसी नेट वाली जो वेबसाइट है ना उस पर है, ठीक है, UGCNET.NTA.AC.IN पर है, वहां पर जाकर के देखोगे मिल जाएगा 153। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोग्रेस प्रोसेस रिगार्डिंग द रेनफॉल। रेनफॉल का प्रोसीजर क्या है, कैसे शुरुआत होती है, सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले यू विल सी अनसैचुरेटेड एयर, ठीक है, असंतृप्त वायु होती है, जो कब पहुंचती है, जब ये संतृप्त हो जाती है तब क्या होता है, ड्यू पॉइंट बनते हैं। ड्यू पॉइंट क्या होते हैं, फिर आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, तब उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, जिससे कि संघनन आप कहते हो। फिर उसके बाद संघनन जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फिर ये सैचुरेशन के लेवल पे पहुंच जाती है, और जैसे सैचुरेटेड होती है वैसे प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा हो जाता है। ये वर्षा दो तरीके से हो सकता है, एक्चुअली प्रिसिपिटेशन है ना, वर्षण जिसे हम कहते हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में जिसे कि हम स्नोफॉल कहते हैं और लिक्विड फॉर्म में जिसे कि हम रेनफॉल कहते हैं। 4। हाँ रश्मि सही कहा, ड्रामा बना दिया एग्जाम का। अरे भाई मतलब हद है यार, इतना एग्जाम मजाक बनाकर रखा हुआ है पूरा एग्जाम को। कभी जून में निकाल रहे नोटिफिकेशन, कभी जुलाई में निकाल रहे हैं, कभी अगस्त में निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले महीने करा लेंगे। और एक महाशय तो एचआरडी मिनिस्ट्री में बैठ करके यही काम ही कर रहे हैं, वो तो यही काम कर रहे हैं। विच ऑफ दीज ग्लेशियल फीचर्स इज बिलीव्ड टू हैव फॉर्म्ड इन द बेड ऑफ सब ग्लेशियल स्ट्रीम। जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, कौन सा एक उप ग्लेशियल स्ट्रीम के बेड में पाया जा सकता है। सब ग्लेशियल का मतलब हो गया कि जैसे यहां पे लेयर्स उसकी उतनी स्ट्रांग ना हो देखने को।
14 नवंबर को दिवाली भी है और 14 नवंबर को कुछ होता भी है। देखो यार, बहुत सारा मैसेज होता है, सब मैसेज पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? तो ऐसा आप लोग मत सोचो कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैसेज पढ़ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर, देखो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, ये हो जाएगा एस्कर। एस्कर आपको पता ही है ना? एस्कर की अगर हम बात करें तो आपको बताया हुआ है कि एस्कर जो है कि स्ट्रीम जैसे होते हैं, है ना? ये स्ट्रीम जैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से बनी हुई संरचना होती है, ऐसा लगता है कि सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? और मोरन क्या होते हैं, ये इनके डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हो गए। वही ड्रमलिन की अगर हम बात करें तो ड्रमलिन भी क्या है, एक इसी तरीके का डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होता है ना? जबकि केम क्या है, ग्लेशियो फ्लूवियल के कारण बनता है ये, ठीक है? ग्लेशियर फ्लूवियल की संयुक्त प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको, क्वेश्चन नंबर 60 के बाद आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूं, ठीक है? इसको आंसर करो, कीबोर्ड कहाँ है ढूंढ लाऊं। मिल गया। चलो, बैड लैंड टोपोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंबाइंड एक्शन ऑफ उत्खात भूमि स्थलाकृति, निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त कार्य का उत्पाद होता है, ठीक है? देखो, एक तो हो गया विंड। अरे एक तो हो गया विंड, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वाटर, ठीक है? ये वाटर कैसा हो सकता है, रेनफॉल के माध्यम से हो सकता है या फिर रिवर का हो सकता है, दूसरा आपको विंड पता ही है। इंडिया का जो चंबल रीजन है इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, अपने उत्खात भूमियों के लिए, यानी कि रेवाइंस के लिए, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो, यूजीसी नेट डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है? यूजीसी नेट जून 2020। अब यहां पर देखो, ये देखो यहां पर नोटिफिकेशन जा रहा है, यूजीसी नेट 2020। अब देखो यहां पर, यूजीसी नेट 2020 विल बी रिवाइज्ड डेट शेड्यूल, देख लो यहां पर रिवाइज्ड डेट शेड्यूल, रिवाइज डेट शेड्यूल देख लो, ठीक है? दिख रहा है, ये रहा डेट 23 सितंबर, रिवाइज डेट शेड्यूल आया हुआ है आज का, ठीक है? रिवाइज डेट शेड्यूल देखो ये यहां पर आया हुआ है। अब देखिए यहां पर आप, तो किस तरीके से डेट शीट जो है 24 का जो था जैसा था वैसे के वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। कल एग्जाम होगा, ठीक है? जिसके भी एग्जाम्स हैं कल एग्जाम्स होंगे, एग्जैक्ट जो भी टाइमिंग है सब सेम होगा। ये रिवाइज्ड डेट है, आज 23 को आया है, ठीक है? उसके बाद देखो 25 का भी कोई चेंज नहीं है, 25 का भी कोई चेंज नहीं है, सेम है, वैसे के वैसा ही सब कुछ है, ठीक है? यहां पर चेंज जो हो रहा है, आगे देखो 29 को भी सब कुछ वैसा ही है जैसा सेम था, 29 को भी वैसा के वैसा ही है, ठीक है? और जूम कर दूं, अब दिख रहा होगा। अब देखो यहां पर, अब यहां पर देखो 30 30 को भी जो एग्जाम्स थे वो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? अब इसके ऊपर आप देखो,
इसके ऊपर आप देखो, 1 अक्टूबर को एग्जाम जो होना था वो सेम है, कोई चेंज नहीं है। अक्टूबर 1 को जो भी एग्जाम होना था सेम है, कोई चेंज नहीं है। अक्टूबर 9 को जो एग्जाम होना था बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं। देख लो, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ये सब हो रहे हैं 1 से लेकर के 17 अक्टूबर तक। जबकि इसके बाद अगर आप देखो तो 4 नवंबर को जो एग्जाम होना था वो चला गया है 22 को जो एग्जाम होना था वो चला गया है 4 नवंबर को। 22 अक्टूबर देखो लिखा हुआ है ओल्ड डेट, ओल्ड डेट क्या था 22 अक्टूबर, लेकिन ये चला गया 4 नवंबर को। सब्जेक्ट्स हैं आपके ये सभी लैंग्वेज वाले। ठीक है, अब देखो इसके आगे देखो आप, नया रिवाइज्ड डेट। इसके बाद देखो 5 को जो एग्जाम होना था वो अपनी जगह पर है, 5 नवंबर को अपनी जगह पर है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद चेंज होता है किसमें, 11 को, 7 अक्टूबर को जो एग्जाम था वो 11 नवंबर को चला गया है। देखो यहां पर लिखा हुआ है 7 अक्टूबर से एग्जाम चला गया है 11 नवंबर को। सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ये सब्जेक्ट्स हो गए इसमें, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए, आप लोग की जानकारी के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे, नहीं तो बीच क्लास में मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब यहां देखो, ये देखो 12 नवंबर को एग्जाम हो रहा है उनका, जो 21 अक्टूबर को होने वाले थे। 21 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला था वो 12 नवंबर को हो रहा है। ये ओल्ड डेट है, ये न्यू डेट है। ठीक है, इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एजुकेशन है फर्स्ट शिफ्ट में 9 AM to 12 नून तक है, वहीं जियोग्राफी है अपना सब्जेक्ट, हम लोग का अपना सब्जेक्ट वो है सेकेंड शिफ्ट में 3 PM to 6 PM, ये रिवाइज्ड शेड्यूल है। अभी क्या हो गया है, सबसे लास्ट में कौन चला गया है, सबसे लास्ट में चला गया है हिंदी। ठीक है, ये चला गया है 13 नवंबर को, दिवाली से एक दिन पहले का चला गया है, पहले ये 23 को होने वाला था। ठीक है, नाउ क्लियर गाइज, डेट शीट क्लियर हो गई। चलो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो हम लोग का एग्जाम हो गया है फिक्स 12 नवंबर 2020। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी सीस्मिक जोन, इंडिया को कितने सीस्मिक जोन में डिवाइड किया हुआ है। चलो छोड़ो, हटाओ, जाने दो, ठीक है, रहने दो, छोड़ो भी, जाने दो यार। जब होगा एग्जाम हम नहीं करेंगे इंतजार, एग्जाम जब होगा हम एग्जाम देंगे। ठीक है, एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है। नवंबर में नहीं करवाएंगे, छोड़ो, जाने दो। दिसंबर में नहीं करवाएंगे, जाने दो। जनवरी में करवाएंगे हम, तब देंगे एग्जाम। ठीक है, अब अगर 12 नवंबर को करवा लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। देखो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल ने इंडिया को डिवाइड किया है कुल 4 सीस्मिक जोन में। ठीक है, 4 सीस्मिक जोन में डिवाइड किया है, 4। इसमें जो जोन वन और जोन टू को मर्ज करके एक ही मान लिया गया है, जोन टू। ठीक है, क्योंकि जोन वन में क्या है ना कि बहुत ज्यादा कोई खास एक्टिविटी होती नहीं है, जबकि जोन टू में एक्टिविटीज काफी अच्छी होती हैं, फिर जोन थ्री में एक्टिविटी काफी होती है, जोन फोर हो गया, फिर फाइव हो गया। तो जोन वन और टू को मर्ज करके एक मान लिया गया है, तो इसीलिए हम टोटल कितने करते हैं, 4 ठीक है। नहीं, 4 है, आप लोग फिर से पढ़िएगा। ठीक है, IMD का फिर से पढ़िएगा।
4 है। चलो नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ सदर्न गंगा प्लेन इन द थॉर्नथवेट क्लासिफिकेशन इज डिनोटेड बाय। थॉर्नथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा के मैदान के जलवायु को निरूपित किस अक्षर से किया गया है? पढ़ो पढ़ो गाइस पढ़ो, पता है बहुत अच्छी बात है, पता है गुड न्यूज है। क्यों गुड न्यूज तो कहेंगे इसे हम, टाइम एक्सटेंड हो गया। आप चाहते थे कि टाइम एक्सटेंड हो जाए, टाइम एक्सटेंड हो गया, ठीक है। आप ज्यादा समय चाहते थे, अधिक समय चाहते थे, यू वांटेड मोर टाइम टू स्टडी, मोर टाइम टू रिवीजन, नाउ यू हैव मोर टाइम, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वरीज। सो लग जाओ, ठीक है, अब लग जाओ। इस बार एकदम JRF लेकर के ही छोड़ना है, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम नहीं मिलेगी आपको। अब कितने दिन थे, अभी तो एक महीने थे, अब आपको 15 दिन और मिल गए, मैं कहूंगा 20 दिन और मिल गए, 2 महीने मान लो इसे आप लोग, ठीक है। अब इसे आप 2 महीने मान लो कि जितना होगा देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी सी ए डब्ल्यू। देखो सी और ए, सी सी डब्ल्यू जी तो यूज किया था किसने, कोपेन ने भी यूज किया था, ठीक है, कोपेन ने भी यूज किया था, जबकि थॉर्नथवेट का यूज किया हुआ है सी ए डब्ल्यू। जबकि ए डब्ल्यू आप लोग को पता है ये कहाँ का है, ये इंडिया के ए डब्ल्यू वाला रीजन जो है वो इंडिया का, अगर आप मैप देखोगे तो कोपेन के अकॉर्डिंग ये वाला रीजन रहा पूरा एंटायर ए डब्ल्यू में। तो बस इसी को उन्होंने क्या कर दिया है, नेक्स्ट मिला दिया है, ए यूज कर लिया है, डब्ल्यू को यूज कर लिया है और बना दिया है नया, जबकि कोपेन के अकॉर्डिंग ये ए डब्ल्यू वाला रीजन था। सो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है कि अब आप लोग जो है अधिक से अधिक कोशिश करिए, अधिक से अधिक कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। अब से अब आपके पास यू हैव लॉट ऑफ टाइम, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो आप, और जितने अधिक से अधिक आप MCQs कर सके, यहाँ पर हमारे क्लास में अन अकेडमी पे करवा रहा हूँ, वहाँ पर कर लीजिए, शाम को 6 बजे करवाता हूँ। फिर आप लोगों को अन अकेडमी मॉक टेस्ट दे रही है, अन अकेडमी मॉक टेस्ट दीजिए जियोग्राफी के, है ना, प्रैक्टिस करो, प्लस रिविजन रखे रहो अपना कंटिन्यू, और कोशिश करिए कि जो कोर सब्जेक्ट हैं उन कोर सब्जेक्ट को बैठ करके आराम से इत्मीनान से पढ़ो। व्हेन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ तो इसे हम किस नाम से कहेंगे, पृथ्वी के घूमने के कारण जो हवा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इट्स अ जियोस्ट्रैफिक विंड, ठीक है। जियोस्ट्रैफिक जो विंड होती है वो देखो, एक तो अपर सर्कुलेशन होता है, मैंने आप लोग को बताया है, एक लोअर सर्कुलेशन होता है जो धरातल के नजदीक चलती है, और एक अपर सर्कुलेशन होता है। ये जो अपर सर्कुलेशन है इसी से जुड़े हुए हैं आपके जियोस्ट्रैफिक विंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसी से जुड़े हुए हैं जेट स्ट्रीम्स जुड़े हुए हैं। तो ये सभी जो है अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में पाए जाते हैं और इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। ये क्या करते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं, या फिर जो स्पीड है लोअर एटमॉस्फेरिक सरफेस में विंड्स की उन्हें बढ़ा सकते हैं, उन्हें घटा सकते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनकी इंटेंसिटी के ऊपर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी। जबकि आपको पता है कि प्लेनेटरी विंड्स कौन से होते हैं, सनातनी पवनें कौन सी होती हैं, जो फिक्स होते हैं, जो प्रेशर बेल्ट आप देखते हो जिसमें कि ट्रेड विंड्स आते हैं, 2 ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में, बिटवीन द ट्रॉपिक्स। इसके अलावा वेस्टर्लीज हैं, दोनों ही हेमिस्फेयर में, नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं, 30 से लेकर के 60 के बीच में। फिर उसके ऊपर ईस्टर्लीज है ना, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो ये सभी क्या है, फिक्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स इन्हें हम कहते हैं, जबकि बाकी आप जो देख रहे हो ऐसे कुछ भी फोर्सेस नहीं है मोटी मोटा। 9
सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज इंक्रीज विथ, जल निकाय में लवणता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, कैसे इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन इवेपोरेशन एंड डिक्रीज इन द एडमिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर, डिक्रीज इन इवेपोरेशन एंड इंक्रीज ऑफ एडमिक्सचर, सैलिनिटी पूछ रहा है ना, तो डिक्रीज इवेपोरेशन नहीं होगा इसलिए गलत, डिक्रीज इवेपोरेशन नहीं होगा गलत, इंक्रीज इवेपोरेशन है सही है, इंक्रीज इवेपोरेशन है सही है, डिक्रीज एडमिक्सचर और ये इंक्रीज एडमिक्सचर है तो इंक्रीज नहीं होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, देखो डिक्रीज, सोचो आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर वाटर है, ठीक है, आप इसे बॉयल कर रहे हो, ठीक है, आप इसे बॉयल कर रहे हो, तो अगर आप इसमें फ्रेश वाटर नहीं डालोगे, ये गर्म हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है इसका, लगातार इवेपोरेशन भी हो रहा है, तो जो अमाउंट है वाटर का वो क्या होगा, इवेपोरेटेड होता रहेगा, तो ये रिड्यूस होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो 20 मिनट 25 मिनट बाद वो 1 लीटर से हो सकता है 800 मिली हो जाए, 500 हो जाए, अब जब तक आप इसमें प्योर अदर वाटर नहीं डालेंगे तब तक क्या होगा, ये इवेपोरेट होता रहेगा, तो इसका लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो लेवल जितना कम होता है, वाटर मिक्सचर कम होता है, अगर इसमें आपने 1 स्पून सॉल्ट डाला हुआ तो सॉल्ट का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से समझिए, 1 ग्लास पानी में अगर आप 1 स्पून, ठीक है, 1 स्पून अगर आप सॉल्ट डालते हो और वही 2 ग्लास में आप 1 स्पून सॉल्ट डालते हो तो किस में सॉल्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, आप इसे पहचान सकते हैं, तो वही है, इवेपोरेशन इंक्रीज कर दो और मिक्सचर जो है उसे डिक्रीज कर दो फ्रेश वाटर का, तो ये हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एग्जाम फिर से पोस्टपोन्ड हो गया, हाँ धारा ज्योति बिल्कुल, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैगा बायोम, निम्नलिखित में से कौन एक टैगा बायोम हो सकता है, टैगा बायोम का रीजन क्या होगा, सब ट्रॉपिकल देखो लिखा है तो ट्रॉपिकल नहीं हो सकता टैगा, ठीक है, इसके अलावा टैगा बायोम सहारा में भी नहीं पाए जाएंगे और सवाना में भी नहीं मिल सकते, तो बचता क्या है, आर्कटिक बायोम, सब आर्कटिक बायोम इज रिलेटेड टू द टैगा बायोम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टैगा कहते हैं, एक और नाम है इसका क्या, साइबेरिया है ना, टैगा रीजन, इसी के ऊपर पाया जाता है टुंड्रा रीजन, इसके ठीक ऊपर आपको टुंड्रा रीजन देखने को मिलेगा आर्कटिक रीजन में, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जबकि सब ट्रॉपिकल बायोम में कहां पर आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल बायोम में हम लोग आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आपको देखने को मिलता है, बाकी सवाना बायोम आपको कहां पर देखने को मिलेगा, अफ्रीका में, सवाना क्या है, अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड, हाथी घास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और सब सहारा रीजन में, सब सहारा रीजन यानी कि सहारा के निचले क्षेत्र, ठीक है, सवाना के और सहारा के बीच का रीजन, कल हम लोगों ने यूपीएससी सॉल्यूशंस पे पूरे अफ्रीका को पढ़ा था पॉलिटिकल, ठीक है, अगली जो उसकी क्लास होगी कल करेंगे या परसों करेंगे तो उसकी क्लास का टाइमिंग दूसरा होगा, मैं नहीं चाहता हूं कि इस क्लास के टाइम में कोई हेरफेर किया जाए, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा जाए, तो उस क्लास को हम लोग किसी और टाइम से करेंगे और मैप हम लोग वर्ल्ड का पढ़ते रहेंगे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो चूंकि एग्जाम शिफ्ट हो गया है, 12 नवंबर को चला गया है, आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ है, लगभग लगभग 2 महीने आपके पास है इन हैंड, तो आप चाहो तो अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जियोग्राफी के लिए, पेड कोर्सेस हैं बट मच बेटर हैं किसी भी अदर रिसोर्सेज से, किसी भी अदर सोर्स से, आप यहां पर आओगे आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा जियोग्राफी का विथ एमसीक्यूज, नए एमसीक्यूज सब कुछ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, प्लस मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, करना सिर्फ इतना है आपको कि आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, किसी और कैटेगरी का नहीं, सीएसआईआर का मत ले लेना आप लोग, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त रेफरल कोड यूज करते हैं डिस्काउंट के लिए, तो आप भी डिस्काउंट लेना चाहो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 आज का, फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस गैस भी है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से कम एसोसिएटेड है. श्योर निशा, मैप का मैं बिल्कुल कंसिडर कर रहा हूँ. हम लोग मैप वाली क्लास करेंगे, ठीक है, डेली करेंगे. उसकी भी आधे घंटे की क्लास करेंगे, डेली कोशिश करूँगा करने का. नहीं हो पाएगा तो वीक में 3 से 4 क्लासेस कर लेंगे, ठीक है. चलो अगला प्रश्न. वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग. देखो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बी क्यों कर रहे हो यार, और मीथेन भी है ग्लोबल वार्मिंग. अरे भैया मीथेन नहीं है क्या? मीथेन बहुत हाईली पोटेंशियल है, बहुत लंबे समय तक रहता है एटमोसफियर में. ये भी है, कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन. ये इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम है इसका, ठीक है. और हाइड्रोजन आपको पता ही है एक अच्छी गैस माइन मानी जाती है, इससे कुछ खास इन्वायरमेंटल एयर पॉल्यूशन या हमारे ग्लोबल वार्मिंग में कोई खास इसका इम्पैक्ट नहीं है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Who among the following defined geography as discovery of predictive pattern during the quantitative revolution period? Defined geography as a discovery of predictive pattern during quantitative revolution period. पिछले कुछ समय से काफी अविश्वास और डीफेम कमाया है एनटीए ने, सही कहा. चलो ठीक है. यस बंगे, देखो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से बंगे जुड़े हुए थे, ठीक है, और इन्होंने इसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के फेज में इन्होंने कहा था कि मात्रात्मक क्रांति जो है एक ऐसा समय आएगा जब भूगोल यानी कि जियोग्राफी के पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा. चेंज क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि मात्रात्मक क्रांति ने हमें क्या दिया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ने हमें दिया कि हम लोगों ने फिलोसॉफिकल अप्रोच को छोड़ करके वी हैड अडॉप्टेड द मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच. तो हम लोगों ने ज़्यादातर वैज्ञानिक पद्धतियों की तरफ अपने आप को हम लोगों ने एक तरीके से कन्वर्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे ज्योग्राफी में कई सारे नए कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स, थ्योरीज वगैरह आ गए. तो इनके इन्हीं प्रतिरूपी की बात करते हैं, विलियम बंगे, ठीक है. ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइट बी यू गाइज हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन, बट मैं अगेन इसको कह रहा हूं. इन डिस्क्राइबिंग द पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन, देखो स्पेशियल इंटरेक्शन के दो मॉडल्स भी हम लोग पढ़ते हैं, ये वैसे ट्रांसपोर्ट के मॉडल में आ जाएंगे. ट्रांसपोर्ट के मॉडल में जियोग्राफर्स आर मोस्ट कंसर्न्ड विथ, कोई भी जो स्थानिक संबंध होता है पैटर्न और प्रक्रिया जो होती है, अगर हम पैटर्न और अगर हम प्रोसेस देखते हैं, बीइंग अ जियोग्राफर आप इसमें से किस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखोगे कि उस रीजन में ये होना चाहिए, तो ही वो एरिया क्या होगा, वेल सेटल्ड एरिया के तौर पर जाना जाएगा.
देखो हम क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी मैंने पहले ही बोल दिया ना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बोल दिया मैंने पहले ही, तो ट्रांसपोर्टेशन शब्द आपके लिए एक हिंट था, क्योंकि हम ज्यादातर एक्सेसिबिलिटी को चेक करते हैं और कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। आज के डेट में आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम में भी हम उन जगहों पे ही प्लॉटिंग करते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं कहीं पर भी, जहां पर आपके पास उस लैंड तक जाने के लिए काफी एक्सेसिबल एरिया हो, यानी कि क्या हो, आपके पास बेहतर एरिया हो, कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो वहां तक जाने के लिए, वहां से आने के लिए, और एक ऐसी प्रॉक्सिमिटी में आप हो कि ताकि आपके लिए बाकी चीजें जो है वो नियर अबाउट में रहे। तो जियोग्राफिकली कोई भी लोकेशन वही अच्छा माना जाता है जहां से एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छी हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंडिया में ही कहना चाहूंगा कि जो नॉर्दर्न इंडिया का रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और लद्दाख तक का रीजन जो है काफी हिली एरिया में है, और यहाँ पर क्या डेवलप्ड हो पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो रोडवेज हैं वो भी बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, बट प्रॉब्लम होती है एक्सेसिबिलिटी करने में, ठीक है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होती है। जबकि आप प्लेन रीजन में देख लो इंडिया के, तो वहाँ पे रोडवेज भी हैं, रेलवेज भी हैं, एयरवेज भी हैं, सब कुछ है, इवन आपको नेशनल वाटरवेज भी मिल जाएंगे। वही रिवर्स जो कि हिमाचल से या उत्तराखंड से ओरिजिनेट होकर के प्लेन रीजन में आती हैं, उन्हीं रीजन में हम उन्हीं रिवर्स में हम क्या करते हैं, नेविगेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का नेशनल वाटरवेज नंबर वन कहाँ से, प्रयागराज से कहाँ तक, आपके हुबली तक, ठीक है, हुबली तक ही है ना, हल्दिया तक कहाँ तक है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी एग्जाम डेट चेंज हो गई, यहां पर लिख दूं क्या, मैं सारे स्लाइड पे लिख दूं क्या, एग्जाम डेट चेंज्ड। देखो एग्जाम फिर से पोस्टपोन्ड कब को हुआ है, 12 नवंबर को हुआ है 2020, जबकि पहले क्या था, पहले 21 अक्टूबर था, नाउ ये रिवाइज्ड हो चुका है। आई विश की कॉपी पेस्ट कर पाता है इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैटराइट सॉइल इज हायर, लैटराइट सॉइल की क्या विशेषता है, लैटराइट सॉइल जो होते हैं इनकी दो विशेषताएं हैं, नंबर वन हाई टेम्परेचर, नंबर टू क्या विशेषता है, हैवी रेनफॉल। तो चलो देखो इस स्टेट में कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखो टेम्परेचर हाई तो उड़ीसा में होता है, रेनफॉल भी काफी अच्छी होती है, गुजरात में टेम्परेचर काफी अच्छा है बट रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है ज्यादा, आप लोग को भी पता है अरावली के कारण जम्मू कश्मीर तक मानसून पहुंचते काफी काफी कमजोर हो जाती है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी काफी कम है, और अरुणाचल प्रदेश में रेनफॉल तो होता है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो पाता है। तो सॉइल की लीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल, जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। आया समझ में, उड़ीसा। चलो नेक्स्ट 15, Who among the following correlated color of ocean water and its salinity? समुद्र के पानी का रंग और उसके लवणता के संबंध को किस विद्वान ने दर्शाया? इब्न खल्दून अल मसूदी, इब्न सीना अल मकदीसी, ये हो जाएंगे आपके अल मसूदी, ठीक है, अरे अरब स्कॉलर, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो कलर होते हैं ओशन के, ठीक है, वो क्या किस लिए होते हैं, जो उनमें वेजिटेशन होते हैं, दो बातों के ऊपर उन्होंने निर्भरता दिखाई, नंबर वन वेजिटेशन और दूसरा क्या कहा, कहा कि जो सैलिनिटी होती है,
सैलिनिटी के कारण भी क्या होते हैं, ओशन के कलर डिटरमाइन होते हैं। कोई कोई ओशन का कलर लाइट वेट होता है, क्योंकि लाइट वेट लाइट ब्लू होता है, हल्का नीला होता है, क्योंकि उसमें क्या है, सैलिनिटी काफी कम होती है। जिसमें सैलिनिटी ज्यादा होगा उसका कलर थोड़ा डार्क देखने को मिलेगा। तो वही बात इन्होंने समझाने की कोशिश की थी अल मसूदी ने। अगला प्रश्न, टेक केयर पूजा, ध्यान रखो, आप लोग अपना ध्यान रखिए सभी जियोग्राफर्स। ये एग्जाम ही है उस्मान, लेकिन क्या करें, एनटीए ने इसे मरीचिका बना दिया है। सही बात कही आपने। हाँ अमन सही कहा। विच स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कौन से स्कूल ने एस्ट्रोनॉमी यानी कि जो खगोल विज्ञान है वो किसने डेवलप किया था, खगोल विज्ञान की अगर माने तो? वेल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ग्रीक्स का डेवलप किया हुआ था। सबसे पहले इन्होंने एस्ट्रोनॉमी को डेवलप किया था। मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि ग्रीक्स के जो कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों ने जियोग्राफी में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कैसे किया, क्या कारण था कि ग्रीक्स का ही नाम आता है, क्यों नहीं अफ्रीका के किसी कंट्री से ये नाम आया कि एस्ट्रोनॉमी वहां से डेवलप हुई, क्यों नहीं यूरोप के जो नॉर्दर्न कंट्रीज थे वहां से निकल करके ये चीज सामने आई। इनकी जो प्रॉक्सिमिटी थी, इनकी जो लोकेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन के सदर्न, मेडिटेरेनियन का इनका जो नॉर्दर्न कोस्ट था वहां पर थे ये, प्लस उसके ठीक नीचे की तरफ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता था। पहले का जो ग्रीक था वो ग्रीक आज के अरब तक फैला हुआ था। अनअकैडमी प्लस पे मैंने आप लोगों को सारे पिक्चर शेयर किए हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है वहां पे समझने के लिए। तो ग्रीक्स का हो जाएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेटर ऑन क्या होता है कि ग्रीक्स के ही कंट्रीब्यूशन को रोमन्स भी लेते हैं, और ग्रीक और रोमन्स दोनों के कंट्रीब्यूशन को लेकर के अरब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अरब्स ने ग्रीक और रोमन बुक्स को पढ़ा था और उन्हीं बुक्स को पढ़ करके वो आगे कंट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि पहले से जो अवेलेबल नॉलेज था उसी नॉलेज में उन लोगों ने कुछ और एडिशन किया। अलेक्जेंड्रिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, अलेक्जेंड्रिया हम लोगों ने पढ़ा था अभी कल वाली क्लास में, तो मैंने लोकेशन दिखाया था आपको कि मिस्र का जो नाइल रिवर का डेल्टा है वहीं पर अलेक्जेंड्रिया भी था, और उसी कारण से ग्रीक स्कॉलर थे हेरोडोटस जिन्होंने कहा था कि मिस्र जो है वो नील नदी की देन है, ठीक है, इजिप्ट इज अ गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल, ये भी उन्होंने बातें कही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जियोग्राफी की डेट चेंज हो गई है, सारे जियोग्राफर्स बिल्कुल सभी भूगोलवेत्ताओं को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, न्यू रिवाइज्ड डेट है 12 नवंबर। इस पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है अभी भी, जब तक कि सारे एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट ना किए जाएं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लोर्स द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन जनसांख्यिकी संक्रमण किस तरीके के पैटर्न को स्टडी करता है, सिंपली आपको यह बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो इसका जो सही आंसर होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपको क्या देखने को मिलता है, फर्टिलिटी हो गया और ये हो गया और मोर्टैलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये तो तीन चीजें हो गई मोटी मोटी बातें।
लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपको एज का स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। तो वन एंड टू इसमें क्या हो रहा है, वन और टू क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, यानी कि डी हो जाएगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, एज ग्रुप को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी में आप लोगों को पता होगा, और माइग्रेशन को भी नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या जो होती है वो प्रभावित होती है वो इन्हीं तीनों फैक्टर से, इसको इन्फ्लुएंस करने का काम यही तीनों फैक्टर करते हैं। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्लस जो माइग्रेशन हो रहा है यानी कि प्रवसन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, 18 नंबर क्वेश्चन आज का, डेट चेंज हो गया है, मैं फिर से लिख रहा हूं, डेट चेंज हो गया है, 12 नवंबर 2020। एक्चुअली ये एनटीए अब हमसे 2020 खेल रहा है, आईपीएल हो गया है शुरू ना, कह रहा है चलो स्टूडेंट से 2020 मैच खेल लेते हैं, तो इसीलिए ये हर 2 दिन 4 दिन पे डेट चेंज कर रहे हैं। इंडियाज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग सिंस, वृद्धि दर जो है लगातार कब से कम हो रही है इंडिया की, गिरावट देखने को मिल रहा है वृद्धि दर में। हेलो गाइस, देखो मोर्टैलिटी फर्टिलिटी ये ऑप्शन, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी माइग्रेशन हो जाएगा, मोर्टैलिटी एज स्ट्रक्चर, मोर्टैलिटी और माइग्रेशन होगा, यहाँ पर भी माइग्रेशन है, यहाँ पर भी माइग्रेशन है, यहाँ पर 2 की बजाय 3 होना चाहिए, 1 और 3 ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो 1 और 3 होगा, ऑप्शन में 2 ही था, मुझे लगा था डाउट इसमें, क्लियर है। चलो इसको देखते हैं, अब देखो ये हाईएस्ट फेज था 71-81, ये हाईएस्ट फेज था। 1971 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 24.64 था आई थिंक, जबकि 1981 में जो ग्रोथ रेट था वो 24.4 या 6 ऐसे कुछ करके था। इन दोनों में ये हाईएस्ट है, इनका ग्रोथ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फर्स्ट डिक्लाइन की अगर हम बात करें, डिकेडल ग्रोथ रेट हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग सिंस। हाँ बस मैसेज देखा आप लोगों का तभी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, क्या लग रहा है 81 से डिक्लाइन हो रहा है ना, इसमें तो डाउट नहीं है 81 से ही डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इंडिया का पीक जो ग्रोथ रेट था वो कब से देखने को मिलता है, 1971 में पीक था, मतलब सर्वोच्च वृद्धि दर 1971 में थी। ट्वेंटी फोर पॉइंट एट, ठीक है 24.8064 मैंने बता दिया इसका, चलो ठीक है, ये मुझे ध्यान आता। 81 से पहला डिक्लाइन हुआ है 81 से, तो फर्स्ट जो डिक्लाइन देखने को मिला है वो यही है ए। फिर से एक बार, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 24.80 था 71 में और 24.64 हो गया 81 में, तो यही है डिक्लाइन का ए, डिक्लाइन का डेट है 19।
चलो, डिएगो गार्शिया जो है जाना जाता है, ये एक डिफेंस नेवल बेस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ये काफी फेमस आइलैंड है डिएगो गार्शिया। कौन से ओशन में है? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक। आर्कटिक नहीं होगा, नॉर्थ में है। पैसिफिक नहीं होगा, ईस्ट में है। अटलांटिक नहीं होगा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बाउंड्री लगता है, इसलिए दिया ऑप्शन में। इंडियन ओशन में पाया जाता है ये। देखो, ये इंडियन ओशन है, देख रहे हो? इंडियन ओशन वर्ल्ड का एकमात्र, द वन एंड ओनली ओशन जो इंडिया के नाम पे पड़ा है, इंडियन ओशन। ये है डिएगो गार्शिया, एक आइलैंड रीजन है जिसके ऊपर कंट्रोल है किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इसके ऊपर कंट्रोल है। और यहाँ पर ये क्या करता है, इसने अपने डिफेंस बेस बनाए हुए हैं जो कंट्रोल करता है। इंडियन ओशन का इस वक्त जो जियो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना भी लगा हुआ है, इंडिया के भी है अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, जबकि यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पर ऑलरेडी है। इसके अलावा फ्रांस के भी बेस हैं क्योंकि फ्रांस, रीयूनियन वगैरह उसी के आइलैंड से। सेशल्स वगैरह साइड में चाइना ने डेवलप कर लिया, तो काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया भी बनता हुआ जा रहा है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये प्लानिंग वाला पूछा है कॉन्सेप्ट, यूटिलिटेरियन प्लानिंग जो होती है, नॉट करेक्ट पेयर पूछा है। तो यूटिलिटेरियन क्या होता है? फंक्शनल प्लानिंग इसे हम कहते हैं। यूटिलिटी बेस्ड होता है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम उसे डेवलप करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो जाएगा, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग, एक इंक्लूसिव टाइप ऑफ प्लानिंग। तो इसमें आता है इंटीग्रेटेड प्लानिंग आता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग क्वेश्चन पूछता भी है। रीजनल प्लानिंग आती है किसमें? आपके स्पेशल प्लानिंग में। स्पेशल वाई, यही कि रीजन से रिलेटेड हो जाएगा। और सेक्टोरल प्लानिंग जो है वो रिलेटेड होता है सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है ये। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, इसके अलावा सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी, इन सब से रिलेटेड होता है ये सेक्टोरल प्लानिंग। हम क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हम फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ने फोकस किया था किसके ऊपर? फर्स्ट 5-ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के ऊपर किया था सेक्टोरल प्लानिंग। सेकेंड 5-ईयर प्लान में किया था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर सेक्टोरल प्लानिंग। थर्ड 5-ईयर प लान में फिर से हैवी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के ऊपर किया था। तो इस तरीके से हम प्लानिंग को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अनअकैडमी प्लस अब देखो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, अपडेट तो री अनाउंस हो गया है, फिर से रिवाइज आ चुका है। तो अगर अब आप लोग प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्टडी आप लोगों को यहां पर मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट स्टडी आपको यहां पर मिलेगा। डेली रात को हमारी क्लासेस होती हैं 10:30 पे यहां पर डेली। आप लोगों को नींद ना आए, आप लोग की नींद को भगाने के लिए ये क्लासेस मैंने रखी हुई है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी नेट सब्सक्रिप्शन NTUGC नेट का। जब आप इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे अभिषेक जे। कहाँ पर? यहाँ पर अप्लाई करेंगे
अप्लाई करने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, और आपका पेमेंट जब हो जाएगा तो आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। कुछ भी पूछना हो आपको मेरे से, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, डेट रिवाइज्ड हो गया है, 12 नवंबर को दिवाली के 2 दिन पहले रखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों और आप दिल खोल के दिवाली मना सको, ठीक है। इसलिए एनटीए ने आपको एक और मौका दिया है, 20 दिन के लिए एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया है। सो गाइस देखो, टेंशन मत लो, एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा आप एग्ज़ाम दोगे, अच्छे से दोगे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम ने आपको बहुत अंडर प्रेशर ला दिया है, ठीक है। और मैं अपील करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म से उन सभी पेरेंट्स से भी, उन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी अगर वीडियो कभी भी देखते हो हमारे, तो बिल्कुल हौसला अफजाई करिए अपने बच्चों का, क्योंकि इस वक्त उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि एग्ज़ाम होगा, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा, इससे स्टूडेंट का जो मनोबल होता है वो टूटता है, बिखरता है। तो इस वक्त आप प्लीज़ ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए, आप सभी लोग समझदार बनिए, क्योंकि बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। और मोटिवेशन की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो घर से निकलती है, पेरेंट्स से निकलती है, ठीक है। तो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करिए, उन्हें मोटिवेट करिए और उनका पूरा साथ दीजिए, ठीक है। सो गाइस चलो फिर से मिलेंगे दिन में, दिन में नहीं, रात में मिलेंगे। दिन में तो क्लासेस हमारी अनअकैडमी पे होती है, 10:30 पे सेम टाइम पे मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखो, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।